Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज मैं हूँ ESCRS Barcelona Spain 2024 की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में. एंड हम लोग खड़े हैं एल्कॉन के स्टॉल के सामने, जहाँ पे चश्मा हटाने की एक नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया है बाय द नेम ऑफ वेव लाइट प्लस इनोवाइज. एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम लोग पेशेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे ईगल्स आई विजन. एंड इस टेक्नोलॉजी को एक तरह से कंसिडर करा जा रहा है द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी. अब वेव लाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी में नया क्या आया है, देखिए इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से पहली बार हम लोग पेशेंट के चश्मे के नंबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ठीक करेंगे एक आई अवतार के हेल्प से. तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करने वाला हूँ. सेकेंड एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का है कि फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड 100% कस्टमाइजेशन पॉसिबल है. तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी जैसे कंट्यूरा है, उसमें पार्शियल कस्टमाइजेशन थी, लेकिन वेव लाइट प्लस इनोवाइज में हम लोग प्रोसीजर को 100% कस्टमाइज कर सकते हैं और पेशेंट को सबसे बेस्ट क्वालिटी विजन, ईगल्स आई विजन, इवन बियॉन्ड 6665 विजन हम पेशेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे. थर्ड एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेटेड पावर कैलकुलेशन. देखिए अभी तक जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी जैसे लेसिक हो गया, कंट्यूरा हो गया, सिल्क हो गया, इन सब टेक्नोलॉजीज में चश्मे के नंबर को मैनुअली कैलकुलेट किया जाता था. एक ऑप्टोमेट्रिस्ट पेशेंट की आंख के सामने लेंसेज लगाता था, पावर को निकालता था और उस पावर को फिर लेज़र मशीन में ठीक किया जाता था. लेकिन वेव लाइट प्लस इनोवाइज में ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटेड है. मशीन अपने आप निकालती है पेशेंट के चश्मे का नंबर जिसको ठीक करा जाता है. तो इस तरह की ऑटोमेटेड कैलकुलेशन से हम लोग जो ह्यूमन एरर होता है, जो मैनुअल एरर होता है, जो चेकिंग के टाइम एक चौथाई या आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उस प्रॉब्लम को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं और अपने पेशेंट्स को सबसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हम इस टेक्नोलॉजी से दे पाएंगे. फोर्थ एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार हम चश्मे के नंबर को रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी से ठीक करेंगे. तो अभी तक रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ डायग्नोस्टिक्स में अवेलेबल थी, अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ट्रीटमेंट्स भी कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को दे पाएंगे. तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्दी हम लोग इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं और अपने पेशेंट्स को सबसे लेटेस्ट का एडवांटेज देने वाले हैं.